अगर हम फोर ब्रेन को देखते हैं तो फोर ब्रेन को बोला जाता है कि ये मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन को ऑक्यूपाई करने का काम करता है। क्या बोला मैंने? जो आपके ब्रेन का फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर मतलब आगे होता है, मिड मतलब बीच में होता है और हिंड मतलब बैक होता है, समझ गए? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जो आपके ब्रेन का मेजर पार्ट है वो कौन ऑक्यूपाई करने का काम करता है, तो वो फोर ब्रेन ऑक्यूपाई करेगा। कौन करेगा? फोर ब्रेन करेगा। आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर का सबसे ज्यादा जो पोर्शन यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखा है वो कौन है? आपका फोर ब्रेन है, ठीक है। देन आपके पास क्या है? मिड ब्रेन का जो हिस्सा है ना वो काफी कम है यहाँ पे। देन अगर कोई यहाँ पे कौन कनेक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन कनेक्ट करेगा। कौन कनेक्ट करेगा यहाँ पे? हिंड ब्रेन जो है वो सीएनएस के साथ कनेक्ट करने का डायरेक्ट काम करता है। तो ये यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ ब्रेन होगा, जिसमें से मैंने आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन किसके रिगार्डिंग दिया था, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन की खासियत ये है कि कॉन्शसनेस के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ऐसे आपको यहाँ पे ट्रिक याद रखना है, रटना नहीं है इसको। अगर कोई आपसे पूछता है कि फोर ब्रेन का काम क्या है, ये कैसे काम करेगा, क्या काम करता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो उसके लिए आपको सिर्फ, मैंने क्या बोला कि कॉन्शसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बोलते के साथ वही आपको ये बात याद आ जानी चाहिए कि इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं तो फोर ब्रेन के पास ऐसे स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट हैं जो कि स्मेल के लिए, साइट के लिए, हियरिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही आप कॉन्शियसनेस इसके साथ ऐड करते हैं आपको कुछ अलग से रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब इसके पास ना अलग अलग एरियाज होते हैं, किसके पास? फोर ब्रेन के पास, जो सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करेगा, कुछ रिसीव करेगा तभी तो आपके पास मैसेज जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, मैंने यहाँ पे साइट लिखा है, ठीक है। आप अपने जिस भी रूम में भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप नाइट के टाइम में भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको लाइट सारी बंद कर देनी है, आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आप में से कुछ बच्चा बोले ठीक है हम अपना नाम तो एटलीस्ट अंधेरे में लिख ही सकते हैं, तो चलिए वो भी हटा दीजिए। मैं पूछूँ कि कंप्लीट डार्क कर दीजिए, क्या आपको दिखाई देगा उस वक्त? नहीं दिखेगा, आपका साइट जो है वो काम नहीं करेगा। आपकी आईज ओपन है फिर क्यों नहीं साइट काम करेगा? रीजन ये है कि जिस लाइट के ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपके सामने अवेलेबल है, क्योंकि लाइट जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके उसका जो इमेज है वो आपकी आई के रेटिना पे बनाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ आपको दिखती है। तो ये सारे कि जब भी आप कोई सा भी चैप्टर करेंगे सबको हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, जाके जरूर कनेक्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो साइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? ब्रेन। लेकिन ब्रेन तो तब काम करे ना जब आप उसको काम करने को देंगे, ठीक है। जैसे आपने कोल्ड के टाइम में देखा होगा, स्मेल के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे काम करना, मतलब उस टाइम में तो एटलीस्ट कम ही कर देता है या बंद ही कर देता है। तो आपने नोटिस करा होगा कि जब एक्सेस कोल्ड वोल्ड होता है किसी को तो स्मेल भी जो है वो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। साइट का भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हियरिंग है तो इसमें भी इम्पेयरमेंट आ सकती है, किसकी वजह से? अगर आप इसको कंप्लीट क्या करें, बिल्कुल टाइट करके, अगर आप आपके पास जो एक्सटर्नल पिन्ना जो है अगर आप उसको बंद कर दें, ठीक है, उससे भी फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो इसके पास, फोर ब्रेन के पास स्पेसिफिक एरिया जरूर है, लेकिन इसके पास बहुत सारा क्राइटेरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब जब ये रिसीव करेगा तो इसके बेसिस पे अब ये डिसाइड करेगा कि इसको कैसे, किस रिस्पॉन्स, किस चीज के अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्स करना है। क्या इसने इंफॉर्मेशन लिया है? जैसे आपको कोई चीज सुनने में अच्छी लग रही है, आपने कोई म्यूजिक प्ले किया, आपने एक बार सुना, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आपने दोबारा प्ले किया, तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, उसको रिपीटेडली बजा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे कोई नॉइज है या फिर कुछ और है तो आप सोचते हैं बिल्कुल तो दूर ही भागो यहाँ से,
वो कौन डिसाइड करता है? वो आपका ब्रेन डिसाइड करता है, आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, ठीक है। चाहे आपके हैंड का मसल हो, चाहे आपके लेग का मसल हो, सबको कौन रिस्पॉन्ड कराता है? आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कराता है, ठीक है।